जहांगीरपुर वैसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 13 घर जलकर राख। रंगरा के जहांगीरपुर वैसी में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से भड़की आग में 13 घर जलकर राख हो गए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू किया, लेकिन तब तक 13 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच आग लगी थी। आग की लौ इतनी प्रचंड थी कि देखते ही देखते 13 लोगों के घर इसकी चपेट में आ गए। कोई भी अपने घर से कुछ भी नहीं निकाल सका। आगलगी के पीड़ित परिवार पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना रंगरा के अंचलाधिकारी आशीष कुमार को देकर तत्काल राहत और मुआवजे का कार्य चलाने की मांग की है। रंगरा के मंद्रौनी में आयोजित मोतियाबिंद शिविर में 200 लोगों की हुई जांच, 80 रोगी मोतियाबिंद के मिले। रंगरा चौक प्रखंड के मंद्रौनी गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 बजरंग बली मंदिर के पास श्री शिव शक्ति योग पीठ के तत्वावधान में और बाबा आगमानंद के निर्देशन में मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी मिली है कि शिविर में कुल 200 लोगों के आंखों की जांच की गई, जिसमें 80 लोग मोतियाबिंद से पीड़ित मिले। शिविर का उद्घाटन शिव शक्ति योग पीठ के परमानंद भारती माधवानंद जी, रंगरा PHC के प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार और मंद्रौनी के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शिविर में रोगियों के आंखों की जांच डॉक्टर VK मिश्र द्वारा की गई। इस अवसर पर मंद्रौनी के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि सभी रोगियों का मुफ्त ऑपरेशन और लेंस लगाया जाएगा। श्री मुन्ना ने कहा कि योग पीठ द्वारा बाबा आगमानंद के निर्देशन में आए दिन भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और टैंकलोरी के बीच टक्कर के बाद लगा भीषण जाम। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक ट्रक और टैंकलोरी के बीच भीषण टक्कर के बाद राजमार्ग पर भयानक जाम लग गया है। हालांकि जाम का कारण घना कोहरा भी बताया जा रहा है। जाम के दौरान नवगछिया के मकंदपुर चौक से कटिहार के कुर्सेला पुल तक करीब 15 किलोमीटर ट्रकों की लंबी कतार लग गई थी, जिसके कारण ट्रकों के चालकों के साथ साथ यात्री वाहनों में बैठे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ ट्रक और टैंकलोरी के बीच हुए टक्कर में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रंगरा गोपालपुर और कुर्सेला पुलिस को अपने अपने थाना क्षेत्रों में जाम हटाने का प्रयास करते देखा गया। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि जाम का कारण घना कोहरा था, सड़क हादसा काफी मामूली था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत। रंगरा प्रखंड के तीन टेंगा गांव निवासी युवा समाज सेवी राजकुमार रजक ने इलाके की समस्या से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन को अवगत कराया है। राजकुमार ने प्रस्तावित बटेश्वर स्थान से कटरिया रेल सह सड़क पुल का निर्माण कार्य चालू करवाने, डुमरिया से तिनटंगा जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मती करने, रंगरा में किसानों के लिए गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनवाने, रंगरा ओपी को पूर्ण थाने में प्रोन्नत करने, तिनटंगा दियारा घाट पर शवदाह गृह निर्माण कराने की मांग की है। राजकुमार ने कहा कि वे पटना हवाई अड्डा के पास शहनवाज हुसैन से मिले थे। उनके मांगों पर श्री हुसैन ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।